एक बार फिर से दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बैंकर्स ओनली चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 वोकैब्स को लेके। और पहले हम लोग 55 वोकैब्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज का जो सफ़र है वो हम लोग का 56 से चालू होगा 80 तक। 25 वोकैब्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, आज का जो 25 वोकैब्स वो आप लोग लिख लेंगे, और पिछला जो हम वीडियो बनाया है उसका जो कंटेंट आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आप लोग लिखे हुए होंगे वो सब सारी भोका, सो उसको आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप लोग चेक करिए, मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो भोका सब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिवियल मतलब क्या होता है? महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट। सिनोनिम्स हो गया इसका इनसिग्निफिकेंट, इनकन्सिक्वेंशियल, और एंटोनिम्स हो गया इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, एक्सेट्रा। इसका एक यूजेज आप लोग जरूर करिए ताकि आपका वो वोकैब्स याद रहे। ह्यूज फाइंस वेयर इम्पोज फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस। ओके, तो ट्रिवियल यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला जो वोकैब्स, सेकेंड नंबर, 57 नंबर वोकैब्स की तरफ, प्रिज्यूम। इसका होता है अनुमान लगाना, वर्ब होता है, ठीक है। सपोज होता है, एज्यूम होता है, इमेजिन इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम्स हो गया इन्फर, डिड्यूस, एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल आप कर लीजिए एक, आई प्रिज्यूम्ड दैट द मैन हैड बीन एस्कॉर्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग। 58 नंबर वोकैब्स की तरफ हम लोग जाते हैं, प्रिम्प्टिव। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव और प्रिकॉशंस, ठीक है। निवारक इसका मतलब मीनिंग होता है, जो प्रिकॉशंस लेते हैं उसको प्रिएम्प्टिव बोला जाता है। और एंटोनिम्स इसका हो गया परमिसिव, ठीक है। एक यूसेज आप कर लीजिए, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ प्रीएम्प्टिव वॉर एंड कंजर्वेटिव फिस्कल पॉलिसी। तो अगला जो वोकैब्स है, 59 नंबर, एटेन्यूएट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कम करना, टू मेक समथिंग वीकर, स्मॉलर और लेस इफेक्टिव। और इसका सिनोनिम हो गया रिड्यूस, लेसन, और एंटोनिम्स हो गया स्ट्रेंथन। हर इंटॉलरेंस वॉज एटेन्यूएटेड बाई एन अनएक्सपेक्टेड लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एटेन्यूएट। तो अगला जो है स्टैटिक, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है उन्मादपूर्ण। इलेटेड इसका सिनोनिम हो गया, और भी सिनोनिम्स जो है इनरैप्चर्ड, यूफोरिक, इनसेन, क्रेजी, मतलब बहुत पागल होना किसी चीज के लिए, ठीक है। एंटोनिम्स इसका हो गया मिजरेबल, ठीक है। स्टैटिक फैंस फिल्ड द स्टेडियम, जो एकदम पागल हुए है, मतलब किसी फैंस जो बोला जाता है पागल हुए है एकदम, वो लोग स्टेडियम को भर चुके हैं, ठीक है। ये एक इसका मीनिंग है। फ्यूज इसका मतलब होता है मिलाना, ब्लेंड करना। वर्ब जो है ये, इसका सिनोनिम एमलगमेंट हो गया, ब्लेंड हो गया, कंबाइन हो गया, एंटोनिम्स हो गया सेपरेट, जो अलग करना होता है। और ये एक यूजेज आप कर लीजिए, इंटर मैरिज हैड फ्यूज द फैमिलीज इन टू ए लार्ज यूनिट। फ्यूज मतलब मिला अगला देना, जो हम ठीक लोग है। का वोकैब्स है 62 नंबर का, फेबल्ड। ये एक एडजेक्टिव है, प्रसिद्ध, इसका मतलब होता है सेलिब्रेटेड, रियोन्ड इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम हो गया अननोन, अनसंग। माई आर्ट कलेक्शन इज फेबल्ड फॉर्चुनेटली, लकीली मेरा जो आर्ट कलेक्शन है वो फेमस हो गया, ये इसका मीनिंग है। तो चलिए अगला जो वोकैब्स की तरफ, 63 नंबर का वोकैब्स है स्टिक, जो कि वर्ब है, जिसका मतलब अपना स्थिर रहना और अडिग रहना। एडहीर इसका सिनोनिम है, क्लिंग इसका सिनोनिम है, रिमेन इसका सिनोनिम है, एंटोनिम इसका हो गया बी फॉरगॉटन। द प्लास्टिक सीट्स स्टक टू माई स्किन, एक इसका यूजेज हो गया स्टक। अगला जो सिनोनिम है डिनोमेंट, ये एक नाउन है, नतीजा इसका अर्थ होता है, और रिजल्ट भी होता है इसका सिनोनिम, आउटकम, अपशॉट, ये सारे सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम हो गया इसका ओरिजिन। यूजेज एक देख लेते हैं, आई वेटेड बाय द 18th ग्रीन टू सी द डिनोमेंट, ठीक है। अगला जो सिनोनिम है डिस्क्लोजर, नाउन, प्रकटीकरण इसका होता है मीनिंग, और रिविलेशन होता है
जो डिस्क्लोज करते हैं हम लोग कुछ बात हम लोग किसी के सामने रखते हैं, इसको बोला जाता है डिस्क्लोज करना। सिनोनिम हो जाता है डिवल्जेंस, डिक्लेरेशन, और एंटोनिम्स हो जाता है कंसीलमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक यूसेज कर लेते हैं, ए जज ऑर्डर द डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगला जो वोकैब्स हम लोग करेंगे 66 नंबर का, डिवस्टेट, इसका मतलब होता है झटका देना, ये एक वर्ब है, और इसका सिनोनिम हो गया सैटर, शॉक, स्टन, एंड एंटोनिम्स हो गया प्लीज, एक्साइट। ओके, इसका हम लोग यूजेज देख लेते हैं, सी वॉज डिवस्टेटेड बाय द लॉस ऑफ हर बिलव्ड हस्बैंड। ओके, अगला जो वोकैब्स है 67 नंबर का, इनहिबिटरी, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है निवारक, प्रिवेंटिव। ठीक है, सिनोनिम हो गया प्रिकॉशनरी। ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया परमिसिव। चलिए अगला जो वोकैब्स है उसका तरफ, और एक बात, इस इनहिबिटरी का जो यूजेज है वो मैं लिखने को भूल चुका हूँ, और ये आप लिख लीजिएगा, एक सेंटेंस आप बना के लिख लीजिएगा आप जब नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डॉन की तरफ, ये जो है वर्ब है और इसका मतलब होता है पहनना, पुट ऑन, एक फ्रेजल वर्ब भी याद रखिए पुट ऑन, इसका सिनोनिम हो गया पुल ऑन, स्लीप ऑन, एक्सेट्रा, एंड एंटोनिम्स हो गया टेक ऑफ। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं फ्रेजल वर्ब डिस्कस करूँगा, टॉप 30 फ्रेजल वर्ब, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और जुड़े रहिएगा। तो चलिए इसका जो एक यूजेज हम लोग देख लेते हैं, इन द ड्रेसिंग रूम द प्लेयर्स डोंट देयर फुटबॉल शर्ट्स, डोंट ये होता है इसका पास्ट फॉर्म। ठीक है, डॉन का 69 नंबर का होता है जिरंड एक। ठीक है, ये एक स्टॉक पिलिंग, ठीक है, स्टॉक पिल होता है नाउन, और आईएनजी अटैच कर दिया है, इसका मतलब हो गया जिरंड, इसका मतलब होता है एकत्रीकरण, बड़ी मात्रा में किसी वस्तु का संग्रह करना, ये भी इसका मीनिंग होता है, एकत्रीकरण, कलेक्शन, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, सिनोनिम हो गया एक्यूमुलेट, एक्वायर, एमस, ठीक है, कलेक्ट, गैदर, हीप, स्टैक, ये सारी इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम हो गया कास्ट, डिस्कार्ड, डिच, डंप, फ्लिंग, ये सब इसका एंटोनिम्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल आप लोग याद कर लिए, टू स्टॉक पाइल फूड, मतलब जो कलेक्ट करना, फूड कलेक्ट करना है, उसको बोला जाता है स्टॉक पाइल फूड, टू स्टॉक पाइल फूड। अगला जो वोकैब्स है ये प्रोमलगेटेड, ये वर्ब होता है और इसका मतलब होता है प्रख्यापित, टू प्रोमोट करना किसी चीज को, ऑफिशियली अनाउंस करना ए न्यू लॉ और सिस्टम को। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया एडवर्टाइज, अनाउंस, एनन्सिएट, ब्लेयर, इनन्सिएट। ठीक है, ये सारी सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम्स हो गया कंसील, सप्रेस, जो उस चीज को डिस्क्लोज मत करना, सप्रेस कर देना, साइलेंस रखना, रिकेंट, रिवोक, ये सारी जो हो गया एंटोनिम्स हो गया। एक यूसेज हम लोग देख लेते हैं, द लॉ वॉज प्रोमलगेटेड इन अप्रैल 1988। ठीक है, अगला जो वोकैब्स है 71 नंबर, ब्लस्टर, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, इनकरेज करना किसी चीज को और किसी को। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया एड, बूस्ट, रीइंफोर्स, शेयर अप, ठीक है, सस्टेन, हेल्प, ये सारी चीजें जो वर्ड्स है इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम्स हम लोग देख सकते हैं ब्लॉक, डिक्रीज, जो नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो ब्लस्टर इसका हो जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं, आप एक वर्ड को देख के ही आप ये कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव टोन और नेगेटिव टोन इसलिए आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको फिलर्स में बहुत हेल्प होता है ये, और क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प होता है ये। तो चलिए अगला जो हुकअप्स की तरफ, 72 नंबर का एनडीएफआर, ये वर्ब होता है, इसका मतलब हो जाता है प्रयास, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कठोर परिश्रम करना, इसका मीनिंग हो जाता है, और इसका सिनोनिम हो जाता है अटेम्प्ट, वेंचर, अंडरटेक, एस्पायर, सीक, स्ट्राइव, स्ट्रगल, लेबर, टॉयल, ये सारी चीजें जो सिनोनिम्स हो गया, और एंटोनिम्स हो गया ब्रेक, स्लैकेन, रिलैक्स, गोल्ड ब्रिक, एक्सेट्रा। और एक यूजेज हम लोग देख लेते हैं, सी एंडियावर टू फिनिश हर हो वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अगला जो वोकैब्स है, एमिकेबल,
इसका मतलब हो जाता है मैत्रीपूर्ण, मिलनसार, फ्रेंडली, जो होते हैं जो इंसान फ्रेंडली होते हैं, जो प्लेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया बेनिवोलेंट, चैरिटेबल, फैसिनेटिंग एंड काइंड, और एंटोनिम्स हो गया चर्लिस, एबोमिनेबल, अनमियेबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंटोनिम्स हो गया, ठीक। एक यूसेज हम लोग देख लेते हैं, सी हैड एन एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल इसका सिनोनिम होता है, एकदम बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। तो ये मैं एक स्लैश देके इसको लिखा हूँ, पर्सनैलिटी ऑलवेज रेडी विथ ए काइंड वर्ड विथ ए स्माइल, ठीक है, एंड ए स्माइल। और एक यूसेज भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला जो वर्ड है ये मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, SSCGL में टायर वन में ये आया था, डूबियस। इसका मतलब होता है अनिश्चित, नॉट श्योर और सर्टेन, ठीक है। ये जो वर्ड है ये आप लोगों का CGL टायर वन में आया था इस साल का, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग देख लेते हैं, आई एम वेरी डूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग, मतलब श्योर नहीं होना। सिनोनिम्स हो गया डाउटफुल, डुप्लिक, डुबिटेबल, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया कन्विंस्ड और अनक्वेश्चनेबल, सियोर, जो कि सियोर है हम, ठीक, उसका एंटोनिम्स हो गया। तो चलिए अगला जो वर्ड है उसके तरफ, कंग्रीगेट, ये वर्ब है और इसका भी मतलब होता है एकत्रित कर रहना, ठीक है, एकत्रित करना, गैदर, एजम्बल, कलेक्ट, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया डिस्पर्स। तो इसका यूसेज भी हम लोग कर लेते हैं, 4,000 सोल्जर्स ऑफ टू कंट्री कंग्रीगेटेड एट ए बॉर्डर पॉइंट, ठीक है। अगला जो वर्ड है कैलामिचस, कैलामिचस इसका है एडजेक्टिव और ये इसका मतलब होता है विनाशकारी, मतलब इसका टोन भी नेगेटिव है। इसका मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक और सिनोनिम भी हो गया डिजास्ट्रस, डिवेस्टेटिंग, और एंटोनिम्स हो गया फॉर्चुनेट और सक्सेसफुल, ठीक है। इसका यूसेज हम लोग कर लेंगे, एक कैलामिचस फायर स्वेप थ्रू द म्यूजियम, ठीक है। अगला जो वर्ड है थ्वर्ट, और इसका मतलब होता है वर्ब, और ये इसका मतलब हो जाता है विफल करना किसी को, किसी को इनकरेज नहीं करना, किसी को मतलब दबा देना, किसी को आगे बढ़ने मत देना, ये सारी जो नेगेटिव टोन है इसका समझाता है। इसका मतलब हो जाता है टू स्टॉप समबॉडी डूइंग व्हाट सी और ही प्लान टू डू और टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाता है फ्रस्ट्रेट, बल्क, और एंटोनिम्स हो जाता है असिस्ट, फैसिलिटेट, ये पॉजिटिव टोन का हो जाता है। ऑब्वियसली एक नेगेटिव टोन का वर्ड का जो एंटोनिम्स होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। इसका यूजेज हम लोग देख लेते हैं, द गवर्नमेंट हैड बीन एबल टू थ्वार्ट ऑपोजिशन लीडर्स टू फॉर्म न्यू पार्टीज, ठीक है, रोकने में सक्षम हुए। अगला जो वर्ड है प्रीटर नेचुरल, इसका मतलब होता है अचानक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सिनोनिम हो जाता है एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया ऑर्डिनरी, नेचुरल। और ये इसका यूज हम लोग देख लेते हैं, ऑटम हैड अराइव्ड विथ प्रीटर नेचुरल स्पीड। कि अगला जो वोकाब से इन्वोक, जिसका मतलब होता है वर्ब, जिसका मीनिंग होता है साइट, मतलब आह्वान करना, बुलाना, ये मतलब हो जाता है। और सिनोनिम इसका हो जाता है सॉलिसिट, कॉल ऑन, अपील, कंज्योर, एड्यूस, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाता है वेव, ठीक है। हिज इनकम्पिटेंट लीडरशिप मेड इट नेसेसरी फॉर द रिबल्स टू इन्वोक द हेल्प ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो अगला जो लास्ट हम लोगों का आज का वोकब्स है वो है एपिडेमिक, जिसका मतलब हो जाता है महामारी, संक्रामक। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो एपिडेमिक है, और ये एडजेक्टिव हो जाता है। इसका सिनोनिम हो जाता है रैम्पेंट, वाइड स्प्रेड, और एंटोनिम्स हो जाता है लिमिटेड, लोकल, ठीक है। इसका यूसेज आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर आप कुछ सीख पाए होंगे और आपका काम में आ रहा है वीडियो, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल से जुड़े रहिए।